तो चलिए आप फिर आ गए एक नए रेसिपी के साथ। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज फिर बनाएंगे ऐसी रेसिपी की जुगाड़ू रेसिपी, उसको आज हम कहेंगे जुगाड़ू रेसिपी। तो चलिए ये क्या हो गया, एक कटोरा। अब इसमें डालते हैं, क्या डालेंगे अब आप देखिए। तो हो गया ग्रेटर, उसके बाद ये है चीनी। तो चीनी हमने इस कप से एक कप ले रखा है। आज जुगाड़ू रेसिपी हमारा देखिए कुछ नहीं है तब भी बनाएंगे। ये है दही, दही भी एक कप ले रखा है, वो भी ताजी दही है। और उसके साथ हम ले लेंगे घी। हमारे पास ये घी में ही आज बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे आप देखिएगा, इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। देखिए तो घी और चीनी और क्या कहते हैं घी चीनी और दही को हमने अच्छी तरह से फेंट रखा है। आज तो बनाएंगे ही कुछ रहे या ना रहे जुगाड़ू रेसिपी आपको बताएगी कि जुगाड़ू रेसिपी कैसे बनती है। तो घी दही और चीनी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो चलते हैं मैदे। देखिए ये मैदा है, हमने इस कप से एक से डेढ़ कप के मैदा ले रखा है। तो हमने जिस कप से दही और चीनी ले रखे थे उसी कप से मैदा एक डेढ़ कप ले रखा है। तो चलिए इसमें अब डालते हैं। देखिए तो ये है बेकिंग पाउडर, ये छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है। उसके बाद डालेंगे हम इसी से हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, जिससे डाले हैं बेकिंग पाउडर उसी से डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये हमने दही का और घी का जो घोल बनाया था पेस्ट, उसी में सारी चीज़ों को डाल देंगे। अब इसको दूध से गाढ़ी पेस्ट बनाएंगे। देखिए तो गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए हमने इसी कप से एक कप दूध ले रखा है। और कुछ नहीं है ना, हमारे पास टीन है ना, बेक करने के लिए कुछ है। तभी देखिए कितना सुंदर हम बनाते हैं आपकी रेसिपी। आप देख के कहेंगे वाह, हम भी कहेंगे फर्स्ट चांस हमारी ये रेसिपी है। अगर दूध कम लगे पेस्ट में तो थोड़ी सी दूध ऊपर से आप डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध ना हो, वो बॉयल किया हुआ दूध है। और जुगाड़ू रेसिपी इसको तो कहेंगे फर्स्ट हमारी जुगाड़ू रेसिपी। देखिए इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। इससे करने से क्या होता है कि इसमें लम्स नहीं पड़ते, मतलब बताने का मतलब कि इसमें गोला नहीं होता है। इसी तरीके से हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए हमारा ये पेस्ट तैयार हुआ। तो चलिए इसकी ओर। तो ये हमारा मोमोज का बर्तन है। हमारे पास बर्तन वर्तन नहीं है, इसीलिए हम इसी में आज बनाएंगे। तो चलिए पहले इसमें हम क्या करेंगे, घी से ग्रीस कर देंगे, चारों तरफ घी से ग्रीस कर देंगे। आज बनेगी रेसिपी तो बहुत टेस्टी बनेगी। आप देखिएगा कैसी हमारी रेसिपी है और बताइएगा कि कैसी बनी हमारी फर्स्ट रेसिपी जुगाड़ू रेसिपी। कुछ नहीं है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, हम चारों तरफ मैदे से छिड़काव कर देंगे। चारों तरफ मैदा फैला लेंगे इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा इस तरीके से आप फैला लीजिए, और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा ना उसको अलग से झाड़ लेंगे।
अब ये तीन तैयार हो गया। अब ये पेस्ट को क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे। सारी पेस्ट को हम इसमें डाल दिए। अब अच्छी तरह से ठोक लेंगे। अब चलते हैं इसको सजाने बजाने की ओर। देखिए तो हमारे पास कुछ टूटी फ्रूटी है तो एक ही कलर की है। बताया ना कि हमारी जो घड़ी रेसिपी है तो हमारे एक पास एक ही है, तो कोई बात नहीं, हम इसी से पहले सजा देंगे डाल देंगे कहीं कहीं। बहुत सारे डाल दीजिए। चलिए तब चला जाए, किस चीज़ में बनाया जाए वो भी बता देते हैं। चलिए दिमाग दौड़ाया जाए। देखिए हमारे पास ओवन नहीं है तो हमने कढ़ाई ले रखा है, नहीं तो तवा पर भी बना सकते हैं, तो तवा भी हमारे पास नहीं है। इस कढ़ाई को हमने पहले से गर्म करके रखा है। अब गर्म करके हम क्या करेंगे, इसको कम आँच कर देंगे। इस तरीके से आँच होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे रख के इसी में हम लोग इस केक को रख देंगे। हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन तभी आज बनेगी केक। और उसके बाद इससे आराम से ढक देंगे। इसके ऊपर कोई भारी सामान रख देंगे। अब 30 से 35 मिनट के लिए आराम से इसको हम पकने देंगे। तो चलते हैं 30 मिनट तक ले वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे हमारी केक कैसी बनी। चलिए तो हमारा आज देखते हैं फिर 30 से 35 मिनट हो गए, तो चलिए आप देखा जाए कि कैसा हाल है इसका। इस तरीके से हटा देंगे आराम से। ये तो बहुत गर्म है, इसको पकड़ के कपड़े से हटाएंगे। वाह कितना सुंदर। अब एक स्टिक से देखेंगे कि ये हमारा पका कि नहीं। अगर ये आसानी से आ जाए तो हमारा ये केक बन चुका है। देखिए इसमें कुछ नहीं लगे हैं, ये चिपचिपा भी नहीं है। तो गैस को बंद करते हैं, आराम से इसको हम निकालते हैं कपड़े की सहायता से। अब इस प्लेट में रखते हैं। देखिए हमारा केक तैयार हो गया। अब इसको हम ठंडा होने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए रखेंगे, तब इसको निकालेंगे। गर्म नहीं निकालेंगे क्योंकि ये टूट जाएगा, अगर ठंडा रहेगा तब। देखिए तो हमारा केक कैसा है आप बताइए कमेंट करके। जुगाड़ू रेसिपी है कोई सामान नहीं हमारे पास बनाने के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारा जुगाड़ू रेसिपी। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। देखिए तो 10 से 12 मिनट हो गए, हमारा केक ठंडा। अब इसको हम बड़े बर्तन में कुछ चीज रहने और भी केक बनाते हैं, लेकिन और कुछ मतलब बर्तन रहने पर बनाया जाता है। हमारे पास कुछ नहीं थे इसीलिए इसी तरीके से हमारे बने। देखिए तो हमारा ये केक कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत टेस्टी लगेंगे, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो टेस्टी तो होगा ही, घी दूध और दही से बना हुआ है। चलिए तो हमारा केक कैसा हुआ कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में।